आदमी का मन इतना कामुक हो गया है कि उसे अध्यात्म में भी काम वासना जरूर चाहिए। आदमी का मन इतना कामुक हो गया है कि अध्यात्म की ओर भी तभी आएगा जब अध्यात्म में इन सब शब्दों की बरसात हो रही हो, वीर्य संभोग। किन संतों ने वीर्य और संभोग के गीत गाए बताओ? मीरा कृष्ण को पूजती हैं, मीरा के किसी गीत में तुम्हें कामुकता लेश मात्र भी दिखाई देती है? ललेश्वरी के पास जाओ, अक्का महादेवी के पास जाओ, वो भी उस परम पुरुष के ही प्रेम में है, उनके वक्तव्य में तुम्हें कहीं कामुकता दिखाई देती है? पर बाजारू अध्यात्म में ही आवश्यक हो जाता है कि बार बार नाम लिया जाए, आओ आओ वीर्य का उपयोग करके तुमको मुक्ति दिलाएंगे, तुम्हें लगता है बहुत बढ़िया। चलो वीर्य को लेकर के तो हम वैसे भी बड़े विचार मग्न थे ही, अब विचारों की वही श्रृंखला आगे बढ़ पाएगी। ऐसा तो नहीं है कि कबीरों के ज़माने में लोगों के वीर्य नहीं होता था, आज तुम्हारे जितने उससे ज़्यादा होता था। तब कबीर साहब ने और रैदास ने और नानक साहब ने कब बात करी तुमसे कि वीर्य को उछाल दोगे तो सीधे स्वर्ग में जाके गिरोगे? कब कहा भाई उन्होंने तुमसे, बताना। कल हमने बात करी थी कि क्या अच्छे कर्म कर करके मुक्ति पाई जा सकती है, तो उत्तर क्या आया था? जो मुक्ति की ओर ले जाए वो कर्म अच्छा है। तुम्हारे मन में पहले मुक्ति की अभीप्सा तो होनी चाहिए, केंद्र पर मुक्ति तो बैठी हो, मन के केंद्र पर तो वीर्य बैठा हुआ है, तो तुम और क्या करोगे? वीर्य के समुद्र में जाकर गोते मारो और क्या करोगे? जब मन के केंद्र पर वीर्य बैठा है तो फिर तुम्हें मुक्ति भी वीर्य वाली ही चाहिए। मन का सम्राट किसको बना रहे हो ये तो देखो, नियत क्या है ये तो देखो। नियत ही जब साफ ना हो तो फिर, नियत साफ हो तो फिर तुम रास्ते के पत्थरों का भी इस्तेमाल कर लेते हो पुल बनाने के लिए। नियत ही अगर ये हो कि पत्थरों से बड़ी आसक्ति है तो फिर तुम पुल को भी तोड़ोगे ताकि पत्थर उपलब्ध हो जाएं। बेटा मैं सिर्फ मुक्ति की बात करता हूं, मुझे मनोरंजन में कोई रस नहीं है। उसके लिए जाओ फिल्म देखो सिम्बा। तुम्हारे आधे से ज्यादा सवाल तो वीर्य और ये और वो है, मुक्ति की तो तुम्हें कोई बात ही नहीं करनी है, ना बंधन की बात करनी है। अध्यात्म की सिर्फ एक विषय वस्तु होती है, क्या? मुक्ति। उसकी जगह तुम इधर उधर की बात करोगे तो मैं उपलब्ध नहीं हूं। दिमाग बुरी तरह से लिप्त है वीर्य में, तो इसीलिए सीधे साधे सवाल आ ही नहीं पा रहे। मुक्ति की जगह बात हो रही है सेक्स की, और मैं कहूं ऋभु और दत्तात्रेय तो उसकी जगह बात हो रही है बाबा जी की। कारागार में एक कैदी है, उसके गले में जंजीरें, उसके हाथ में जंजीरें, उसके पांव में जंजीरें, और वो कामनाग्रस्त घूम रहा है, ऐसे को तुम क्या कहोगे? ये मुक्ति का अधिकारी भी है, इसे मुक्ति मिलनी चाहिए क्या? इसके तो तन मन में, इसके रोए रोए में, इसके प्रत्येक विचार में मात्र मुक्ति की कामना होनी चाहिए थी। वो कैदी हम हैं, हम शिख से लेकर नख तक जंजीरों से ही जकड़े हुए हैं। हमें समय कैसे मिल जा रहा है कामना में गोते खाने का, बताओ मुझे, बताओ। वो तभी मिल पाएगा जब तुमने बेड़ियों से समझौता कर लिया हो। मैं तुम्हें कोई ध्यान नहीं सिखा रहा, मैं कह रहा हूं विद्रोह तो करो पहले बेड़ियों से, यही ध्यान है। घर के कोने में बैठ जाना आसन मार के, वो ध्यान नहीं होता, नकली है सब। तुम में सर्वप्रथम तुम्हारी वर्तमान हालत के प्रति आक्रोश होना चाहिए, उबाल होना चाहिए, यही ध्यान है। आजादी ध्येय हो तब जीवन ही ध्यान है। तुम्हारा ध्येय भी है आजादी, तुम्हारा ध्येय तो यही है कि ये विधि जान लें, फलाने तरह का आध्यात्मिक मनोरंजन कर लें, जिसमें वो तड़प ही नहीं, क्रोध ही नहीं, ऊष्मा ही नहीं, उसको आजादी कैसे मिलेगी भाई? ठंडे लोगों के लिए नहीं है आजादी। युद्धरत हो तुम, सामने दुश्मन खड़ा है, गोलियां बम तीर बरछे तलवार सब चला रहा है, और तुम कह रहे हो वीर को जरा ऊपर उठाना है, ये हद हो गई। कुरुक्षेत्र है,
सामने दुर्योधन है, दुशासन है, कर्ण है, अश्वत्थामा है, द्रोण है। अब कृष्ण क्या अर्जुन से ये कहेंगे कि अर्जुन अपने वीर को संभाल? अर्जुन कहेगा मेरा वीर जा कहां रहा है कि संभालूं? अरे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, इसमें वीर कहां से आ गया? पर तुम्हें यह पता ही नहीं कि तुम कुरुक्षेत्र में खड़े हो, तुम्हें दुश्मन दुश्मन दिखाई ही नहीं देता। तुम्हें किससे कहानियां चाहिए? तुम्हें चमत्कार चाहिए, तुम्हें मनोरंजन चाहिए। आई एम अ वॉरियर, आई डील विथ बैटल्स। मुझे पता है कि सामने असली चुनौती क्या है। यहां तलवारों की झंकार है, गोले फट रहे हैं, आग है, खून बह रहा है, वीर नहीं बह रहा है। कबीर का सूरमा खून बहाता है, या कबीर ये गाते हैं कि मेरा सूरमा वो है जो वीर बहाए। हमने तो नहीं पढ़ी ऐसी कोई साखी। ये अध्यात्म में नया नया वीर का बड़ा जबरदस्त प्रवेश हुआ है।